पुरा दिवसाला सोळा संपूर्णाला होत आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने दोन्ही सीसीटी अशा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव. आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, गणेश चतुर्थी कल थी, आज दूसरा दिन है. डेढ़ दिन के गणपति का आज विसर्जन शुरू हो चुका है. इस समय हम वसई किला बंदर जट्टी पर हैं. आप देख सकते हैं यहाँ वसई विरार महानगर पालिका पुलिस प्रशासन सज्ज है, अग्निशमन दल सज्ज है और यहाँ लोग गणेश भक्तों के लिए पूरी तरह से सज्ज है और गणेश विसर्जन में जो बंद पड़ रहा है वो मदद की जा रही है. हम देख सकते हैं व्यवस्था की बात करें तो वसई विरार महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने जेटी से काफ़ी दूरी पर यहाँ पब्लिक की मूर्ति संकलन का केंद्र रखा है, जहाँ से महानगर पालिका के लोग इन मूर्तियों को एक थैला गाड़ी हाथ गाड़ी में डालकर जेटी पर ले जाते हैं. वहाँ से दो बोट में उन मूर्ति को आगे समुद्र के बीच समुद्र में ले जाकर वहाँ विसर्जित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. इस समय वसई विरार महानगर पालिका या पूरे ही महाराष्ट्र में पर्यावरण पूरक गणपति उत्सव मनाए जाने की का आह्वान सरकार द्वारा किया जा रहा है और उसी में ये एक पहल है कि काफ़ी समंदर के बीच में जाकर इन मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है. ये इस समय हम जट्टी पे खड़े हैं, जैसा मैंने आपको बताया. वहीं दूसरी तरफ आप जो दूसरी तस्वीरें और दूसरे विजुअल देख रहे हो, ये अलग अलग क्षेत्र के वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कृत्रिम तालाब बनाए हुए हैं. यहाँ तो समुद्र में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ पर मीठे पानी के तालाब है, वहाँ पर उन तालाबों में विसर्जन नहीं किया जाकर कृत्रिम तालाब महानगर पालिका द्वारा बनवाया जा रहा है. लोगों से ये आह्वान किया जा रहा है कि हर एक कोई अपनी मूर्ति उसी में विसर्जित करे. ये आप देख सकते हैं, वहाँ से करीब कई मीटर की दूरी से वहाँ पर मूर्ति का संकलन किया गया. यहाँ हाथगाड़ी में मूर्ति ये महानगर पालिका के कर्मचारी लाए और यहाँ पर ये इन दो बोट में इन मूर्तियों को रखकर आगे बीच समंदर में जाकर उसको विसर्जित करने वाले हैं. इन बोट में लाइफ जैकेट की भी व्यवस्था है और कहीं ना कहीं व्यवस्था के मामले में फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि वसई विरार महानगर पालिका हो या पूरा प्रशासन, उसने काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों को त्यौहार मनाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है. इस समय हम खड़े हैं वसई के दीवान मान में. आप देख सकते हो यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग जमा है. गणपति उत्सव का डेढ़ दिन का आज विसर्जन शुरू है. जैसा कि हमने आपको बताया है, ये कृत्रिम तालाब वसई विरार महानगर पालिका द्वारा बनवाए गए और लोगों से यहाँ अपील की जा रही है कि इस कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया जाए, नेचुरल तालाब को, किसी तरह का पर्यावरण का नुकसान न हो. कई लोग बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें महानगर पालिका को सहयोग कर रहे हैं. अभी हमने यहाँ पूर्व महापौर से बात की, उन्होंने यही बताया, और यहाँ के प्रभारी सहायक आयुक्त से बात की, उन्होंने भी वही बताया कि अभी तक 100% जो विसर्जन है वो कृत्रिम तालाबों में हुए हैं. कृत्रिम तालाब यहाँ एक इस जगह पर रखा हुआ है, एक उस छोर पर रखा हुआ है. बीच में यहाँ दीवानमान मुख्य तालाब है और फिलहाल जितनी जो विसर्जन है वो कृत्रिम तालाबों में ही. कृत्रिम तालाब इस समय महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से पर्यावरण पूरक गणपति बनाए जाने को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रही है और इसी का यह नतीजा है. पिछले दो सालों में हमने देखा है कि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसे एक महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन का जो ये पर्यावरण पूरक त्यौहार मनाने का एक परिसंकल्पना है, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. तो अब ये आप तस्वीरें देख सकते हैं दीवान मान की, यहाँ लोग अपनी भक्ति में लीन है. वसई से यूसुफ अली. वसई विरार महानगर पालिका जो कार्यक्षेत्र है वहाँ पे हमारे नौ प्रभाग समिति है. उस नौ प्रभाग समिति में करीबन 58 प्लेसेस ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे 105 कृत्रिम तालाब हम महापालिका की तरफ से तैयार किए गए हैं. वहाँ कृत्रिम तालाब में गणपति बाप्पा का विसर्जन होना चाहिए और एनवायरनमेंट ऑफ पर्यावरण को बचाना चाहिए. इसके अंतर्गत सभी नागरिक जो गणेश मंडल है, हमारे पदाधिकारी है, हमारे आमदार महोदय है, इनके सहयोग से हमने नागरिकों को आह्वान किया था और आज पहले ही दिन डेढ़ दिन का जो गणपति का बापा का विसर्जन हो रहा है वहाँ पे अच्छी तरह का बहुत अच्छा माहौल है और मैक्सिमम गणपति बापा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में हो रहा है. ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे लास्ट ईयर का भी देखा तो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा गणपति बापा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में
होगा, ऐसे हमको आशा है। आने वाले दिनों में और भी लोगों को आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? जो अभी पांचवा दिन रहेगा, सातवां दिन रहेगा, दसवां दिन रहेगा, इस दौरान भी गणपति बाप्पा का विसर्जन होने वाला है। वहाँ पे महापालिका ने पूरी तरह से तैयारी की है। मैं सभी गणपति मंडल रहेंगे या नागरिक रहेंगे या सभी गणेश भक्त रहेंगे, उनको महापालिका की तरफ से और सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ कि उन्होंने महापालिका ने जो तैयारी की है उसका पूरी तरह से उन्हें लाभ भी लेना चाहिए और कृत्रिम तालाब में आपके गणपति बाप्पा का विसर्जन करना चाहिए। यानी कि पर्यावरण पूर्वक जो गणपति उत्सव मनाने का शासन का जो नियोजन है, जो आह्वान है, उसमें हमारी महापालिका भी खड़ी उतरेगी। हमारे यहाँ अभी दीवान मान तालाब पे पूरा बंदोबस्त है, जिसमें 2 से ज़्यादा अधिकारी हैं। मैं एसीपी हूँ, सीनियर पिया है और 15 से 20 लोग यहाँ पे हैं। बाकी के तालाब में भी हमारा यही बंदोबस्त है। अभी इस वक्त कृत्रिम तालाब का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 2 सालों से इस साल में कृत्रिम तालाब को वसई में और मानिकपुर में दोनों तरफ ही इसका सहयोग है, वो अच्छा ही है। लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला है, कोई भी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गणेशोत्सव शुरू है, आज 1.5 दिन का विसर्जन है, आप यहाँ खुद यहाँ प्रत्यक्ष मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? वसई विरार शहर महापालिका की तरफ से पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव मनाए जाने की विनंती सबको की है। लास्ट ईयर भी एक की थी, ये साल भी की है और ये हिसाब से यहाँ जो कृत्रिम तालाब है, निर्माल्य कलश रखे है, कृति संकलन सेंटर रखे है और पब्लिक भी कृत्रिम तालाब जो है वहाँ विसर्जन कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि पर्यावरण को सहकार्य कर रहे हैं और हमारे वसई विरार शहर महापालिका के प्रभाग एच के कर्मचारी भी यहाँ सब अच्छी तरह पब्लिक को सहायता कर रहे हैं, मूर्ति विसर्जन को आने वाले को सहायता कर रहे हैं और ये हिसाब से महापालिका ने जो रिक्वेस्ट की है पर्यावरण पूर्वक गणेशोत्सव की, उससे पब्लिक सहायता करे तो एक अच्छी बात है। और इस बहाने से 1.5 दिन का जो अभी विसर्जन हो रहा है, बहुत से गणपति की कृत्रिम तालाब में विसर्जन ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये हिसाब से सभी नागरिकों को और हमारे वसई विरार शहर महापालिका के अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ। मात्र साहब, इस समय हम दीवान मान में, दीवान मान के अलावा और कौन कौन से कृत्रिम तालाब सेंटर बनाए हैं? आज नौगर मणिपुर प्रभाग समिति एच में टोटल 7 कृत्रिम तालाब की नियोजन किया हुआ है। अपना मेन दीवान मान में 2 है, समता नगर में 1 है, पंचवटी नाके पे 1 है, मणिपुर नाके पे है, कौल सिटी में है, ऐसे टोटल 7 तालाब है। ऐसा गर्दी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसे कैलकुलेशन है कि अभी कुछ डेटा है? हाँ, अभी तक 400-500 तक लगभग विसर्जन हुआ है 1.5 दिन के गणपति का। टोटल 1300 से 1300 टोटल हमारे प्रभाग में 1500 तक आज के दिन यानी 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन होता है और उनमें से 1300 गणपति दीवान मान में विसर्जित होते हैं। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि पब्लिक बहुत सहकार्य कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी आया है कि जिन्होंने नहीं, हमको तालाब में करना है? कोई नहीं नहीं नहीं, इस साल यानी कम से कम लगभग 100% पब्लिक का सहयोग मिला है। हाँ, बहुत लोग भी कुछ अपना पर्यावरण के लिए खूब हमारे लिए मदद कर रहे हैं। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।